हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश और आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ऑन इमेज यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं डार्क बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए हमारी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, और जैसे ही मैं कलर पे क्लिक करता हूं हमारी इमेज कलरफुल हो जाती है। अगेन देखते हैं, ये देखिए डार्क पे क्लिक करते ही डार्क हो रही है और कलर पे क्लिक करते ही कलरफुल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने HTML का फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है, तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डिव लेते हैं और उसकी क्लास सेट कर देते हैं यहाँ पे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर पुट करते हैं हमारी इमेज। तो इमेज हमारी पड़ी है इमेजेस फोल्डर के अंदर और उसका नेम है ag1.jpeg, उसका टाइप है। और इसके बाद में हम क्रिएट करते हैं एक br टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, और नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारे बटन। तो एक बटन रहेगा हमारा डार्क मोड के लिए और एक बटन रहेगा हमारा कलरफुल के लिए। सो यहाँ पे अगेन एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं कलर। सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो करते हैं कॉपी फाइल पाथ और ब्राउजर पे आके करते हैं नेक्स्ट टैब में पेस्ट। तो ये देखिए आपकी इमेज और नीचे दो बटन आ चुके हैं। अब इनको करना है हमें स्टाइल। तो चलिए आते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में। तो यहीं पे हमने CSS का पार्ट बना रखा है, तो चलिए स्टाइल करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग को, बॉडी टैग की विड्थ सेट कर देते हैं यहाँ पे हम 50%, और इसकी मिनिमम हाइट सेट कर देते हैं यहाँ पे 100 VH की। और इसके अंदर अब लगाते हैं हम डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसका मार्जिन दे देते हैं ऑटो ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और साथ में इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देते हैं ब्लैक। सेव करते हैं और रिफ्रेश। सो ये देखिए इमेज यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन इमेज काफी बड़ी आ रही है तो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो जो हमारा img टैग है उसकी अपन विड्थ सेट कर देते हैं यहाँ पे 350 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए इमेज सेट हो चुकी है। अब हमें जो बटन है उनको सेट करना है। तो सबसे पहले एक बार हम कंटेनर को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो कंटेनर को क्या स्टाइल करते हैं, उसके अंदर हम लगा देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि बटन सेंटर में आ जाए। तो चलिए अब हमारे बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो जो हमारा बटन टैग है उसको करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले हम क्या देंगे बटन के अंदर, हम लगाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ लगाने वाले हैं 6363FF, और साथ में उसका कलर करने वाले हैं हम वाइट, और उसमें पैडिंग ऐड करेंगे हम टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की, और उसके अंदर हम साथ में ही उसकी जो बॉर्डर है वो करने वाले हैं नन। सेव करते हैं एक बार और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना क्रिएट हो चुका है। अब इसका हमें एक तो कर देना है कर्सर पॉइंटर, और साथ में ही इसके अंदर हम करने वाले हैं इसका मार्जिन टॉप और बॉटम से हम इसका करने वाले हैं 10 पिक्सल का, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल का। सेव करते हैं और रिफ्रेश। सो ये देखिए बटन हमारे सब कुछ सेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब डार्क पे क्लिक करें तो इमेज हमारी ब्लैक एंड व्हाइट हो जानी चाहिए, और कलर पे करें तो वापस कलरफुल। तो चलिए कर लेते हैं ये वाला काम भी। तो जहाँ पे हमने इमेज लगाई है उसको एक आईडी दे देते हैं यहाँ पे पिक, आप कोई भी नेम से आईडी दे सकते हो। और जहाँ पे हमने ये बटन क्रिएट किए हैं, बटन पे हम लगाने वाले हैं इवेंट ऑन क्लिक, यानी जब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, आपका एक डार्क फंक्शन चले। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम लिख दिया डार्क, आप कोई भी नेम लिख सकते हो एज इट इज। अगेन दूसरे वाले बटन पे भी एक फंक्शन बना देते हैं और उसका नेम लिख देते हैं कलर, सेम इसमें भी आप कोई भी नेम दे सकते हो। अब हम यूज करने वाले हैं जावा, तो जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे बॉडी टैग के पास में नीचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हम क्रिएट करते हैं एक स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखते हैं। और सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं हमारा एक फंक्शन। तो फंक्शन हम जब क्रिएट करते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं,
फंक्शन कीवर्ड और लिखते हैं फिर फंक्शन का नेम। तो फंक्शन है हमारा डार्क नेम से, तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब आपका बटन पे क्लिक हो यानी डार्क वाले बटन पे क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन चलेगा, डार्क फंक्शन। तो जब डार्क फंक्शन चलेगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम उस इमेज को गेट कर लेते हैं जिसमें हमें चेंजेस करना है। तो लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हम यहाँ पे देने वाले हैं क्या, जो ऊपर हमने इमेज को दी है, इमेज को हमने क्या आईडी दी है, पिक। तो यहाँ पे हमने पिक को गेट कर लिया है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं। तो एक वेरिएबल बना देते हैं पिक नेम का ही, तो इसके अंदर हमारी इमेज आ चुकी है। अब पिक को करते हैं स्टाइल, तो पिक डॉट स्टाइल डॉट फिल्टर, और फिल्टर हमें क्या अप्लाई करना है, तो लिख देते हैं फिल्टर इक्वल, और इसके अंदर हम लिखेंगे ग्रे स्केल, और ग्रे स्केल इसका हो जाए कितना 100%। जब इस पे क्लिक हो तो ये हमने डार्क के लिए बनाया है, सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो करते हैं इसको रिफ्रेश और बटन पे करते हैं क्लिक, तो क्लिक करते ही हमारी इमेज डार्क हो रही है, लेकिन ये काफी फास्ट हो रही है। ये देखिए अगेन देखते हैं, डार्क पे करते हैं क्लिक, तो ये काफी फास्ट हो रही है। तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऊपर ऐड करेंगे जहाँ पे हमने इमेज बनाई है इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रांजिशन। तो यहाँ लिख देते हैं हम ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन देंगे हम यहाँ पे 1 सेकेंड का, और ए चलने के लिए सेव एंड रिफ्रेश। देखिए डार्क पे अब क्लिक करते हैं तो स्मूथली हो रहा है। अब हमें किसके लिए बनाना है, कलरफुल के लिए। तो क्या करते हैं, देखिए सेम एज इट इज इस फंक्शन को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसके नीचे कर लेते हैं पेस्ट, और डार्क की जगह हम लिख देंगे इस बार कलर, और जो ग्रे स्केल है उसकी वैल्यू सेट कर देंगे 0%। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। अब देखिएगा डार्क पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्मूथली डार्क हो रही है, और कलर पे क्लिक करते ही ये स्मूथली कलरफुल हो रही है। अगेन देखिए डार्क पे क्लिक करने पे डार्क हो रही है, और कलरफुल कलर पे करने पे ये कलरफुल हो रही है। सो हमने ये इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।